थोड़े अगर आप नैनीताल आते हैं तो काकनी घाक जरूर खाएं, कहीं कहीं काकनी बोलते हैं, कहीं मक्का। देखो अभी मल्लीताल का कुछ इस प्रकार का नज़ारा हो रखा है। देखिए आसमान में बादल हैं, बारिश तो हुई नहीं है, बारिश अभी मॉर्निंग में हुई थी यहाँ पे। उत्तराखंड धरोहर की सांस्कृतिक नगरी ये देखिए। नमस्कार दगड़ियों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे अपने टू चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ियों मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है देवी में उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से, और आज का ब्लॉगिंग जो है वो सरोवर नगरी नैनीताल से शुरू होगा। और क्योंकि आज मैं नैनीताल आया हूँ और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। दगड़ियों अधिकतर शहरों में कुत्ते और बंदरों का आतंक देखा जाता है, तो सेम एज लाइक आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे कुत्ते रोड में सोए हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल की ताल का आप दृश्य देख पा रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा इस समय है। बोटिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हालांकि मुझे तो बोटिंग में डर लगता है, मैं बोटिंग नहीं करूँगा। बस अच्छे जगह मिलेगी तो सेल्फी वेल्फी ले सकता हूँ, बाकी मैं बोटिंग में काफ़ी डरता हूँ। दगड़ियों अगर आप नैनीताल आते हैं तो काकनी घाक जरूर खाएँ, कहीं कहीं काकनी बोलते हैं, कहीं मक्का बोलते हैं और कहीं घाक बोलते हैं, तो इसको खाना ज़रूरी होता है यहाँ के, तभी आपको नैनीताल का स्पेशल जो पसंदीदा चीज़ है वो यहाँ के घुआ खाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं भी ले लेता हूँ, आंटी एक मेरे लिए भी बना दो। ये देखो दगड़ियों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इस समय नैनीताल का आ रहा है, और तालाब में देखिए बेहतरीन तालाब पानी से भरा भरा हुआ है ये, और लोग बोटिंग भी कर रहे हैं इसमें, इंजॉय ले रहे हैं। तो आइएगा दगड़ियों कभी घूमने नैनीताल में, बेहतरीन बेहतरीन पक्षियाँ, चिड़ियाघर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कबूतर, ये कबूतर देख सकते हैं हम, ये उड़ रहे हैं, टुन्नी ये ला 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 आजा आजा चुन, पंची 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 फुतुक फुतुक कर आई चिड़िया, चिड़िया रानी फुतुक फुतुक कर आई रानी। तालाब में बतखों के झंड ने तालाब में चार चशदारे और लगा दिए हैं। तो दगड़ियों फाइनल नैनीताल आके भुट्टा भी खाना जरूरी है, भुट्टा मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, तो इसमें नमक और नींबू वींबू सब लगा के ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तल्लीताल टोल टैक्स का नज़ारा कुछ इस प्रकार का हो रहा है, अभी टोल टैक्स लिया जा रहा है गाड़ी वालों से, भाई साहब भी आ रहे हैं ज़बरदस्ती आगे से। संविधान निर्माता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काफ़ी अच्छी हमें मूर्ति लगी हुई है। दगड़ियों अगर आप पप्पू ब्लॉग्स में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग्स के आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दगड़ियों अभी मैं तल्लीताल पर हूँ बोटिंग स्टैंड पर, आप देख पा रहे हो कितना प्यारा लोकेशन आ रहा है नैनीताल ताल का, ये देखिए ये काफ़ी सुंदर व्यू हो, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, तो अपना डिस्ट्रिक्ट तो सबको अच्छा लगता है दगड़ियों ना, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है नैनीताल अभी। ये देखिए दगड़ियों नैनीताल के ताल में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, और आपको जिंदा मछलियाँ देखनी है तो इनको चारा पानी डालो यहाँ से और आराम से देख सकते हो आप, कलरफुल मछलियाँ, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ। तल्लीताल चौराहे का कुछ इस प्रकार का भी नज़ारा हुआ है, वैसे ही जन सेवा सुविधा केंद्र नैनीताल रोडवेज स्टेशन का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए ये रोडवेज स्टेशन है, उत्तराखंड परिवहन निगम स्टेशन नैनीताल। दगड़ियों अभी मैं भौली चौराहे पर हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नैनीताल को रोड जाती है, दूसरी भीमताल को जाती है और एक अल्मोड़ा को जाती है, तो मुझे अल्मोड़ा वाली रोड को जाना है। ये देखिए केमू बस यहाँ पर लगी हुई है। दगड़ियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने लोगों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।